हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे विंटर में भी फेशियल जैसा ग्लो पा सकते हैं, वो भी घर पर ही। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी होने वाली है। ये बहुत ही इजी रेमेडी है, बहुत ही इजी आप इसको बना सकते हैं और घर पर ही फेशियल जैसा ग्लो भी पा सकते हैं, और इससे आपके चेहरे से डार्कनेस, पिंपल्स या फिर अदर प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी जो भी आपके चेहरे पर हैं। तो बिना किसी तरीके से उसके को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ वहाँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं आपको इस फेशियल के दो स्टेप बताने वाली हूँ। तो पहला हमारा स्टेप है क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई चीनी। आप इसकी जगह चीनी बूरे का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चीनी हमारे चेहरे से दाग धब्बे, मुहासे, पिम्पल्स, टैनिंग को दूर करती है और साथ ही चेहरे से फाइन लाइन्स को दूर करने में भी बहुत हेल्प करती है और ये हमारे चेहरे पे क्लींजर का भी काम करती है। तो हम यहाँ पे एक चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। दूसरी चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉफी। फ्रेंड्स, कॉफी तो हमारे चेहरे के लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि ये चेहरे से दानों को दूर करती है, मुहासों को दूर करती है और स्किन में से ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करती है। और सर्दियों में जो हमारी पहली प्रॉब्लम होती है वो है ड्राइनेस, तो ये चेहरे से ड्राइनेस को भी खत्म करती है, चेहरे को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चम्मच कॉफी ऐड कर देंगे। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। फ्रेंड्स, ग्राम फ्लोर के ये फायदे हैं कि ये हमारे चेहरे से गंदगी को दूर करता है और साथ ही साथ ये हमारे चेहरे से मुहासे, काले दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स को भी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। हमें यहाँ पे 1 से 2 चम्मच बेसन ऐड करना है और अब हम यहाँ पे रो मिल्क यानी कि कच्चे दूध का यूज करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो बस धीरे धीरे करके हम इसके अंदर कच्चे दूध को ऐड करना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी करना है। तो अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है हमारा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसको यूज करने से पहले आपको गर्म पानी में एक हैंकी या फिर कोई भी कपड़े को भिगो लेना है, अच्छे से डिप कर लेना है उसमें और उसके बाद आपको 5 मिनट तक अपने फेस पर कपड़े को रखना है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो आपके चेहरे पे जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी इससे और आपके चेहरे को स्टीम भी मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी है फेशियल के लिए। 5 मिनट तक आपको इसी तरह से रखना है अपने फेस पर इसको और 5 मिनट के बाद आप इस तरह से उस कपड़े को हटा लीजिए, अपने चेहरे को आप कपड़े से साफ कर लीजिए पहले एक बार और फिर आप इसको अप्लाई कीजिए। आपको इसे लेना है और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लीजिए। विंटर के लिए फ्रेंड्स ये फेशियल तो बेस्ट है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अच्छे से फेस पर लगाने के बाद आप इसको फेस पर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए लगे हुए और उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो आप चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा निखर चुका है और जब आप दूसरा स्टेप भी इस्तेमाल करेंगे तब तो आपका चेहरा आपको बहुत अच्छा दिखेगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिला है। तो आपको फर्स्ट स्टेप को इस तरीके से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप और अब हम बनाएंगे सेकेंड स्टेप।
अब हम बनाएंगे स्किन रेडिएंट पैक जो कि आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो देगा और बहुत ही अच्छे से निखारेगा। तो शुरू करते हैं हम स्टेप टू बनाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज करेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी को घर में ही पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं। मैंने भी ये घर में ही पीसा है। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी चेहरे से दानों को दूर करती है और ये हमारे चेहरे से डार्क सर्कल्स, डेड स्किन सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को भी दूर करने में बहुत हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर देंगे। इतनी क्वांटिटी में आपको यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज करेंगे बेसन यानी ग्राम फ्लोर। 2 चम्मच हम यहाँ पे बेसन भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। शहद हमारे चेहरे पे एक ग्लो लाता है, हमारे चेहरे को ये अंदर से निखारता है और चेहरे पे एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे हनी ऐड कर देंगे। आधी चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी। 2 से 3 बूंद हम यहाँ पे लेमन जूस की डालेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे कच्चे दूध का यूज करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पहला बनाया था। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसे बना के रेडी करना है। हमारा सेकंड स्टेप भी बन चुका है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको इसे लेना है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और जब ये ड्राई हो जाए तब आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। अगर आप ये फेशियल रात में करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि रात में आप कुछ काम नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए आपके चेहरे पे कोई धूल मिट्टी नहीं आएगी और जो आपका चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग भी हो जाएगा। तो आप इसको रात में यूज कीजिएगा, रात को आप सोने से पहले इसको यूज कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही अच्छा फेशियल है ये विंटर के लिए। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, मैं भी इसे ही ट्राई करती हूँ। आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आप इस फेशियल को ट्राई करते हैं तो आपके चेहरे से 100% सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही मेरी मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।